नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं NBC 24। एक तरफ नीतीश कुमार विधि व्यवस्था को लेकर तमाम आला अधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं और क्राइम इधर दस्तक दे रही है। सुशासन बाबू के सरकार में सुशासन की धजियां उड़ रही है और जिस तरह से बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, नीतीश कुमार लाख कोशिश कर ले लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नीतीश कुमार की 2005 की सरकार कहां गई? अब 2020 में 5 वाली सरकार कहीं भी नजर नहीं आती है और क्राइम लगातार बढ़ते जा रहा है। हम बात कर रहे हैं सतीश हत्याकांड की। सतीश की 4 दिसंबर को शाम को 4 बजे हत्या हुई थी और हत्या करने वाले उनके बड़े भाई ही थे। हत्या करने के बावजूद अभी जो हत्यारे थे नहीं पकड़े गए और उनकी मां लगातार तमाम आला अधिकारी के पास चक्कर लगा रही है और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। और उसके बावजूद यानी सतीश के बड़े भाई जो हत्यारे हैं उनके तरफ से भी मां को मारने की धमकी दी जा रही है। सतीश का मां का कहना है कि अगर सुशासन बाबू अगर कुछ नहीं करते हैं तो अपने आप को पेट्रोल छिड़क कर और सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार के आवास के बाहर आग लगा दूंगी। अब देखा जाता है कि सुशासन बाबू क्या करते हैं। सुशासन बाबू की राज में जिस तरह से क्राइम अपराध चरमों सीमा पर है और तमाम आला अधिकारी के साथ में लगातार बैठक कर ले लेकिन उसके बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकलता है। आखिर प्रशासन क्यों सोई है? प्रशासन क्यों नहीं बोल रही है? एसपी साहब के कार्यालय भी चक्कर लगा रही है सतीश की माँ। आखिर देखा जाता है कि सुशासन बाबू क्या करते हैं। अब सुनिए सतीश की माँ का क्या कहना है। अभी तक दोषी नहीं पकड़ा गया, दोषी नहीं पकड़ाया और कहता है कि सीतामढ़ी है तो नेपाल में लोग केसर मिल रहा है, लोकेशन मिल रहा है और कुछ नहीं करता है। डर है कि हमको मारने के लिए धमकी दे रहा है। आपका भी हत्या होने का? हाँ, हमको धमकी आता है कि तुमको मार देगा। सुरक्षा मांग रहे तो सुरक्षा हमको नहीं मिल रहा है सर। पाटलिपुत्र थाने का मामला है जी। वो किसका है, कौन है, नाम बताइए। आर के ठाकुर। हाँ, और कुछ कहना चाह रही हैं आप? वही उसी का हाथ है सर, वही जाता है, वही जाता है। अभी हाल ही फिलहाल में 2-3 दिन पहले वो पट्टा छोड़ा है। पहले वो रहता था बरपुरा में गृहस्थ के यहाँ और आर के ठाकुर उसका एकदम पक्का दोस्त है। दूसरा बेटा आपका क्या करता है? कोर बेटा जो मारा गया सो, जो मारा है वो क्या करता था और जो जिसने मारा उस वो क्या करता है? जो मारता था सर वो हॉस्टल चलाता था घर ही में। अच्छा, हॉस्टल चलाता था और जो मारा है सो कोर्ट में मुंशी है सर। कोर्ट में मुंशी है? मुंशी है कोर्ट में? हाँ, कोर्ट में मुंशी है। हाई कोर्ट? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में उसी है सर। आपके बेटा और पोता का ये नहीं मर्डर किया है? हाँ, बेटा पोता और दो आदमी और है, कुलदीप और आतुल। कुलदीप और आतुल? हाँ। पोता बेटा क्या करता है? पोता तो कुछ नहीं करता, यही गेंग में चलता है, घूमता है। जो बेटा मर गया वो क्या करते हैं? ये हॉस्टल चलाता था। हॉस्टल चला? हाँ, हॉस्टल चलाता था। उसकी शादी हो गई थी? शादी है, एक बच्चा और एक बच्ची है उसको। बच्ची है 1.5 साल की और बच्चा है 7 साल का। मुखग्नि वही दिया है, कोई देने वाला नहीं था। नीतीश कुमार से आप क्या कहना चाह रही हैं? नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं कि हमारा बारे करे, बेटा को पकड़े, पकड़वा देवे, हमको जान की रक्षा करे। नीतीश सरकार पर हमको एकदम भरोसा नहीं रहा, कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं, नहीं एकदम भरोसा नहीं है। तो आज हो गया 12 दिन कुछ नहीं सुनवाई हो रहा, हमको भी डर, हमको भी धमकी आ रहा है। आपको किस बात का डर लग रहा है? डर लग के हमको भी जाल लगा। हमको मारने का बोला था कि बेटा को मारने के बाद तुमको मारी है। अब हम डर से भागे चल रहे हैं, कोई पुलिस कोई प्रशासन हमको मदद नहीं करता है। जाते हैं तो और भगा देता है लोग। किससे आपको जान का खतरा है? पोता से और बेटा से। क्या नाम है पोता और बेटा का? बेटा का दिलीप नाम है और पोता का शिवास नाम है और उसका गेग जो रहता है कुलदीप नाम है और अतुल नाम है। ये 4 लोगों से हमको डर है। ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहे NBC 24। NBC 24, सच की ताकत।